अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने पहना है शलवार कमीज़, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कहीं ना कहीं। चल रहे हैं हम अपने बकरा लेने के। मेरी गाड़ी की हालत बहुत बुरी लगी हुई है, क्योंकि मैंने सफाई करवाई नहीं है। अभी लास्ट मिनट अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं सर्विस करवाऊंगी इसको भी, भाई साफ होने का हक है। मेरी गाड़ी हालत बहुत ख़राब है। सो चलो, अच्छी लग रही हूँ। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मैंने गाड़ी साफ़ करवानी, लेकिन जब मैंने रोड की हालत देखी तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि गाड़ी साफ़ करवाना बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी मेरे लिए, और बहुत बुरी हालत है। आपको मैं दिखाती हूँ कैसी हालत है। इसलिए हाँ जी, तो ये हालत है। इस हालत में मैं अपनी गाड़ी सर्विस बिल्कुल भी नहीं करवा सकती, और अब हम कैसे जाएंगे। वैसे मुझे इस रास्ते के खड्डे वड्डे याद है, इंशाल्लाह हम नहीं फंसेंगे। लेकिन लेकिन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, डोली प्लीज़ संभाल जा मुखे। होले होले हेलो, होले होले, जहाँ से ये रक्षा है वहाँ से मैं जाऊँगी। वहाँ पर ज़्यादा गटर है, यहाँ भी नहीं है, तो हम यहीं से जाते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहले मेरी टंकी जो गाड़ी की है ना, वो फुल होती थी 3,700 रुपये में। अभी मैंने 5,000 का करवाया, लेकिन फिर भी इसकी आधी बत्तियाँ गायब है। मतलब कि अभी भी इसमें 3,000 का और डलेगा, 8,000 तक पहुँच गया है। अल्लाह सही रहम करो हमारे पाकिस्तान पे। चलो चलते हैं हम बकरा ढूंढने। ये हाँ ठीक है ठीक है। तो ये मैं मंडी आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे और कीचड़ भी बहुत है, और मेरी गाड़ी की बहुत बुरी हालत हो गई है। लेकिन यहाँ की मंडी भी बहुत हाई है, ये हाईवे की मंडी है, यहाँ पे भी बहुत हाई रेट है। 60-70 हज़ार के बकरे मिल रहे हैं। और दूसरी बात कि मुझे पार्किंग नहीं मिल रही, तो मैं पहले पार्किंग ढूँढती हूँ, उसके बाद फिर हम बकरा ढूँढते हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल से मैंने पार्किंग लगाई। इन सब लोगों ने मुझे हेल्प किया है कि ऐसे ऐसी गाड़ी लगाओ, और फिर मैंने अभी गाड़ी लगाई है। अभी मैं उतरूँ कैसे इतनी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, और मैं बहुत संभल संभल के चल रही हूँ। बहुत बुरी हालत है मंडी की, पानी जमा हो चुका है। ये बहुत प्यारा, इसके लिप्स हैं पिंक। पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। ये भी बहुत प्यारा है, ज़्यादा महंगाई है। 80,000-75,000 और 1,20,000 से कम मिल ही नहीं रहा। तो ये तो छा बैठी करी। ये बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन रेट भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े। अभी तक मुझे बकरा नहीं मिला, क्योंकि जो मैं रेट बोल रही हूँ उस रेट में मिल ही रहा, सारे 80,000 के मिल रहे हैं। अभी तक तो हम मायूस हो चुके हैं मंडी से। अदा घने जुता दे हो यो? ये कितने का है? 20,000 नंढड़वा नंढड़ी कुर्बान थी 20,000। अच्छा नस्ल नंढड़िया कोडिया। एक लाख 80,000 का है ये, 1,80,000। इन्हें कहा चलो ठगो ना बटो। सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये वाला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा। आगे पीछे हो जाओ, आगे पीछे। सबसे अनमोल बकरी ये लग रही है मुझे।
तीन कलर हैं इसके अंदर। एक लाख बीस हजार का ये वाला चेहरा, एक लाख से कोई कम आ ही नहीं रहा, एक लाख बीस हजार पचानवे। और ये ब्लैक वाला बता रहे हैं कि 70,000 का। ये मेरे रूम के साथ मैचिंग। हालत है मेरी गाड़ी की। ओह, अभी मैं ये गाड़ी निकालती हूँ क्योंकि चलते हैं किसी और जगह पे। अब मंडी में घूम घूम के मेरे पाँव की ये हालत हो गई है और मेरी गाड़ी की बहुत बुरी हालत हो गई है। अभी जल्दी से जाके मेरे मुझे अपनी गाड़ी की और मैं अपने पाँव की सर्विस करवानी है। तो मुझे बकरा नहीं मिला क्योंकि रेट बहुत बहुत ज़्यादा हाई थे और बहुत बहुत पूरी मंडी में घूमी हूँ लेकिन कोई बकरा मुझे समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा रेट थे। 1,20,000 से तो कोई नीचे नहीं आ रहा था और उसके बाद 80,000-90,000 आ रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ वापस, देखती हूँ सादिया आए फिर कोई बात करते हैं, या इनके दूसरे दिन लूँगी ताकि थोड़े से रेट इनके लो हो जाए, वरना फिर सादिया आएगी तो फिर उसके साथ जाके हम दोनों ले लेंगे। अभी मैं वापस जा रही हूँ और मैंने खाना नहीं खाया, खाना खाती हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी मुझे लगी थी भूख बहुत ज़्यादा और मैं यहाँ चांदनी पे आई हूँ शोरमा खाने के लिए। सबसे पहले हम अपने हाथ सैनिटाइज कर देंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत जम्स थे। और अभी अपना ख्याल रखा करें, सफाई नफ्स ईमान है तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, वरना काफ़ी सारे जम्स जो है ना वो आपके पेट में चले जाएँगे और इससे आप बीमार हो जाओगे, फिर हॉस्पिटल के खर्चे इतने ज़्यादा। और अभी खाना खाती हूँ शोरमा, जैसे कि आ चुका है। जैसे कि क्या होता है ये, आधा ही मिनट। अभी मैं शोरमा खाऊंगी और उसके बाद मैं चाय पीने जाऊंगी, मुझे नहीं पता कि मैं चंगी। तो अभी के लिए अभी हम अपना शोरमा खाते हैं, यहाँ से खुलेगा। ये इस चीज़ में मैं बड़ी कंफ्यूज होती हूँ, यहाँ पुल से खुलता है या यहाँ से खुलता है। पुल से बहुत बड़ा खुलेगा इसलिए, समझ रहे हो आप, यहाँ से खोलेंगे हम इसको। नहीं, यहीं से सही है। ओके, तो अभी मैं अपने शोरमा खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जूसी जूसी होता है इसलिए। और इसके बाद हम चाय पीने चलते हैं और फिर माही से मिलते हैं, देखेंगे माही कहाँ है, माही का नंबर क्यों बंद है, क्या है। मैंने खा लिया और अब मुझे चाय पीनी है। और मैं आप सबको ये बता दूँ, जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था, जो जिनसे मीर ने पूछा था कि वो कौन सी होटल है कोयटा में जिसकी बहुत अच्छी चाय है, तो वो गोबर होटल है। यार नाम कितना अजीब है, मतलब कोयटा वाले कैसे नाम रखते हैं गोबर होटल। तो जब मीर ने मुझे बताया, मैं ऐसे हंसी थी इस नाम पर और मैं ज़रूर जाऊँगी। मतलब थोड़ा सा अजीब है ये नाम, बहुत अजीब है, थोड़ा सा ना ये बहुत ज़्यादा अजीब है। तो इस होटल पे हम जाएंगे इंशाल्लाह, ईद के बाद का सीन है मेरा, मैं जाऊँगी कोयटा और वहाँ पे मीर ने मुझे इनवाइट किया है तो मैं जाऊँगी। ओह यार, यार ये कितनी ऑसम है यार, मेरे पास और उस चाय की, उस होटल गोबर होटल की चाय पे है। यार नाम कितना अजीब है। खैर, और अभी जो बारिश हो रही है ना हैदराबाद में, जो शाम होते ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, बहुत लाइट लाइट सी बारिश, हमेशा से मुझे ये बारिश बहुत पसंद थी लेकिन अभी थोड़ी सी तेज़ बारिश चल रही है। मुझे तेज़ बारिश बिल्कुल नहीं पसंद, लड़कियों को बारिश पसंद है लेकिन मुझे बारिश सफ़ा, मतलब कि बिल्कुल हल्की बारिश मुझे पसंद है। ज़्यादा बारिश से नुकसान होते हैं, लोगों के नुकसान होते हैं, हमारे नुकसान होते हैं, रोड रास्ते ये वो, इसलिए मुझे बारिश नहीं पसंद। लेकिन अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है और जो जहाँ पे मेरा घर है ना वहाँ पे मतलब फुल दरिया बन जाएगा, एक तो मुझे वो टेंशन है। ऐसी तेज़ बारिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सारे लोग भीग चुके हैं और ये आवाज़ जो आ रही है ना, ये आवाज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है, डर लगता है, डर सा लगता है मुझे इस आवाज़। और बस हमारे इलाके की तो अल्लाह खैर करे, ऐसी तेज़ बारिश हो रही है, बस दरिया बन जाना, हम उस पर डूब के जाएंगे, डूब के। तो बस
अब यहीं पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में। ईद से पहले एक और व्लॉग बनाएंगे, उसमें मिलेंगे हम। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और